का खबर आ रही है कि वो तनु चंडेल आदिल की गर्लफ्रेंड जो लेटर जिसने उसकी वजह से आदिल ने मेरे साथ ये सारा कांड किया, मुझे छोड़ा मारा पिटा, इज प्रेगनेंट। मेरा शादी से भरोसा उड़ गया है, अभी प्यार शादी हर चीज से भरोसा उड़ गया है मेरा। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीर आजकल काफी सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, लोग इन्हें खूब सर्च भी कर रहे हैं। ये वही लड़की है जिसके कारण राखी सावंत की शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो गई, जिसके कारण राखी ने अपने पति आदिल खान दुर्रानी पर केस कर दिया और वो जेल में है। वही आदिल की गिरफ्तारी के बाद जो नाम सबसे ज्यादा फेमस हुआ है वो है तनु। कौन है ये तनु और ये राखी सावंत की सौतन कैसे बनी, ये सब हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मासूम से दिखने वाले आदिल खान दुर्रानी की सीक्रेट गर्लफ्रेंड सामने आ गई है। जी हाँ, राखी सावंत और आदिल खान दुर्रानी की बात की जाए तो इन दोनों के रिलेशन में काफी समय से उतार चढ़ाव चल रहे हैं। वही राखी का कहना है कि आदिल उन्हें शादी के बाद भी चीट कर रहे हैं, जहां पर हाल ही में राखी सावंत ने आदिल खान दुर्रानी की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की पिक्चर शेयर की है। वही आदिल खान दुर्रानी अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये ही नहीं बल्कि राखी सावंत ने आदिल के खिलाफ कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं, जिसे सुनने के बाद उनके फैंस के होश उड़ गए हैं। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। मेरा शादी से भरोसा उड़ गया है, अभी प्यार शादी हर चीज से भरोसा उड़ गया है मेरा, इंसानियत से भरोसा उड़ गया है मेरा, मेरी जिंदगी बदतर हो गई है। बता दें कि राखी सावंत ने अपने पति आदिल खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में कैमरे पर खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि आदिल का तनु चंदेल नाम की लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वह राखी के कपड़े और गहने लेकर उस लड़की के साथ रहने चला गया है। राखी ने कहा कि शादी के बाद भी आदिल का 3 से 4 लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। फिलहाल वह तनु चंदेल के साथ रिलेशन में है। 5 हफ्तों बाद जब वह शो से बाहर आई तो उन्हें इस बात का पता चला। हालांकि उन्होंने आदिल को मनाने की कोशिश की थी ताकि वह तनु से दूरी बना ले, लेकिन उस समय राखी सावंत की मां काफी बीमार थी और वह आदिल को ज्यादा समय नहीं दे पा रही थी। राखी के मुताबिक आदिल ने मां की तबीयत खराब होने के समय उनका साथ नहीं दिया था। ऐसे में राखी पति आदिल से गुस्सा हो गई थी। इससे पहले राखी ने पति आदिल को धमकी दी थी, आदिल तुम अगर नहीं सुधरे तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल कर रख दूंगी। राखी ने आगे कहा कि जब वह बिग बॉस मराठी में थी तभी उनका अफेयर शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर आदिल और तन्नू की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। कुछ दिनों पहले राखी सावंत ने बताया था कि उनके पति आदिल खान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उन्होंने तनु चंदेल उर्फ निवेदिता का नाम भी बताया था। हाल ही में राखी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह बड़ा खुलासा कर रही हैं। बता दें कि राखी बोल रही हैं कि उन्होंने सुना है कि तनु चंदेल प्रेग्नेंट है, इसलिए वह बाहर आकर शादी भी नहीं करने वाले हैं। राखी सावंत ने बताया आदिल को बेल नहीं मिली है। राखी ने कहा मैं तो हैरान हूँ, पहले शादी की खबर और अब निवेदिता तनु चंदेल प्रेग्नेंट है। का खबर आ रही है कि वो तनु चंदेल आदिल की गर्लफ्रेंड जो लेटर जिसने उसकी वजह से आदिल ने मेरे साथ ये सारा कांड किया, मुझे छोड़ा मारा पिटा, इज प्रेग्नेंट। दिस इज शॉकिंग फॉर मी आदिल, यू प्लान द बेबी विद मी। तभी वो शादी करने वाली है। तनु को बाहर आकर बताना चाहिए कि वह प्रेग्नेंट है या नहीं। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ मुंबई और मैसूर पुलिस का, जिन्होंने आदिल के खिलाफ रेप मामले को उजागर किया और ये बहुत हैरान करने वाला है। हाल ही में राखी सावंत ने नए वीडियो में तनु चंदेल का नाम बिगाड़ते हुए कहा था तनु निवेदिता चंदेल के नाम में ही चंडाल है, तू बहुत बड़ी चंडाल है, निवेदिता तूने मेरा घर और दिल तोड़ा है, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, वो बीवी का नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तनु चंदेल और आदिल की कई तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। राखी ने बताया है कि तनु चंदेल इंदौर की रहने वाली हैं, वहीं पर इस लड़की का फ्लैट भी है, इसकी एक खुद की BMW कार भी है। राखी के मुताबिक तनु IIT से पास आउट है और फिलहाल एक बिजनेस वुमन है। राखी का कहना है कि तनु बॉलीवुड में पिछले 8 सालों से स्ट्रगल कर रही हैं और कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स में नजर भी आ चुकी हैं। वह फिलहाल 37 साल की हैं। तनु चंदेल का जन्म 13 जनवरी 1989 को सतना जिले के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। स्कूली शिक्षा के बाद ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा में दाखिला लिया, यहां पर MCOM तक पढ़ाई। यहां से पढ़ाई करने के बाद तनु ने नवाबों के शहर लखनऊ के रास्ते माया नगरी मुंबई तक का सफर तय किया।
इस बीच तनु चंदेल ने काफी स्ट्रगल किया। जैसा कि तनु चंदेल मीडिया में साक्षात्कार के दौरान अक्सर बताया करती थी, तनु ने कई सारे गानों के एल्बम में काम किया। तनु चंदेल लग्जरी गाड़ियों जैसे BMW, मर्सिडीज बेंज जैसी महंगी गाड़ियों की शौकीन है। निवेदिता ने अपने एक गारमेंट्स ब्रांड निवेदिता फैशन का स्टार्टअप भी किया था। तनु चंदेल उस वक्त सुर्खियों में आई जब राखी सावंत ने अपने पति आदित्य दुर्रानी से अवैध संबंधों की बात मीडिया के सामने की। तनु ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की है। इसमें उन्होंने राखी के आरोपों और पूरे विवाद पर बात की है। उन्होंने लिखा, राखी मैंने तुमको और तुम्हारे दोस्तों को पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारे आदिल के साथ नहीं हूँ। पूरी बात जानने के बाद भी मैं आदिल का साइड नहीं ले रही हूँ। यह तुम्हारा और तुम्हारे पति का मैटर है, मुझे इसमें मत घसीटो। इससे पहले आदिल खान की एक्स गर्लफ्रेंड रोशिला ने भी दोनों के मैटर का रिएक्ट किया था। उन्होंने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा था कि मुझे बीच में मत घसीटो, आपके आरोपों से तंग आ गई हूं। आपको बता दें कि आदिल एक समय में रोशिला के साथ रिलेशनशिप में थे। इसके बाद आदिल का नाम तनु से जुड़ा। इस बारे में खुद राखी ने ही दावा किया था। राखी सावंत के बारे में आपकी क्या है राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।